जो आपके लेबर हैं, इन्हें कोई बातचीत करने का ढंग ही नहीं है। सड़क छाप होते हैं ना बंदे वैसा वे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये है हमारी वरना जो कि 70,000 चल चुकी है, 60 to 70। भाई बहुत ही लेट हो गए क्योंकि ज़्यादातर अब वो चल रही थी ट्रिप्स वगैरह में, और आज हम इसकी कराने वाले हैं सर्विस। और ये वाला पार्ट भी यार इसका ना पेंट कराऊंगा, ये बड़ा भद्दा सा लगता है। वैसे दिखता नहीं, अगर दिखाता हूं तभी मतलब ये नोट में आता है। और भाई जो भी कहो, साफ सुथरी काली कार जो लगती है ना, मज़ेदार। एंड 70,000 वाली सर्विस है, यानी कि 8 सर्विस मेरे ख्याल से। एंड वरना हमारी डीजल है, आप लोगों को शायद पता ही होगा भाई, डीजल कार की मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। और अब तो चल भी 17,000 गई है। गोल तो हमारा है कि भाई 1.5-2 लाख चल ही जाए तो मज़ा आ जाएगा। करवानी वरना की सर्विस है, निकले हम स्कॉर्पियो एन में है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई ये क्या चल रहा है। तो यार सीन ऐसा है कि जैसे बहुत भाइयों को शायद से अब तक तो पता चल गया होगा, न्यू बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे तो यार रोज उधर ही जाना पड़ता है। 7 दिन या फिर मुझे कहना चाहिए 365 दिन जाना ही पड़ेगा। कोई ऑफ वगैरह भाई मेरा तो होता नहीं है, तो रूटीन वही बना रखा है। 1 तारीख से नो छुट्टी अभी तक तो, एंड इन फ्यूचर भी ना हो तो बढ़िया बात है। अगर बीमार हो जाए वो अलग बात है, हे भगवान जी बीमार भी मत करना। एंड टाइमिंग की बात करें हम ना 8:30 ओपन कर देते हैं। क्लोजिंग का कोई टाइम नहीं है, वर्कलोड पे डिपेंड करता है भाई क्लोजिंग क्या होती है, फिर ओवर टाइम वगैरह जो वर्कर्स हैं उन्हें पे कर देते हैं। बट हाँ, जो आज का सीन है, आज पहली बार ही भाई, लिटरली पहली बार ही ऐसा होगा कि सर्विस कराने वरना कोई और लेके जा रहे हैं, मतलब कि पापा लेके जा रहे हैं, उधर छोड़ देंगे, आगे अपने काम पे निकल जाएंगे एंड शाम को पिकअप कर लेंगे। मैंने उन्हें बोला तो है कि वीडियो बना देना 1-2 क्लिप, बट मुझे पता है मतलब कि मुझे उनपे 100% विश्वास है कि वो नहीं बनाएंगे। वही घर वाले थोड़े ज्यादा कूल नहीं है हमारे, देसी है, इस वजह से वो तो नहीं बनाएंगे। बट ठीक है, कोई चक्कर नहीं है भाई, एक्सपीरियंस में उनसे ही शेयर करवा दूंगा कि कैसा रहा सर्विस का। एंड बिल तो ऑब्वियसली बात है भाई होएगा ही होएगा, तो आप सबको ना एक आइडिया लग जाएगा अगर आपने वरना की सर्विस करानी है 70,000 वाली तो कितना कुछ खर्चा आता है। और बाय चांस अगर आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं, वरना डीजल बहुत ज्यादा डिमांड में है आज के टाइम में भी पुराने वाली, तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है क्या नहीं। वीडियो बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रहेगी भाई, एज यूजुअल इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश रहेगी। बाकी तो यार वही है, पार्टनर मेरा हमेशा लेट करता है और मुझे वेट करना पड़ता है। पंचुअलिटी यार जिंदगी में है नहीं लोगों के, बी पंचुअल यार, खासकर सोशल मीडिया में तो बहुत वो कूलनेस होती है, मतलब कि आजकल वो होता है अगर बंदा लेट हो रहा है यार, हम जहां भी जाते हैं ना लेट हो जाते हैं, वो कूल बनने का ये थोड़ा वे हो जाता है कि हम तो लेट ही पहुंचते हैं ये वो। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि भाई बंदा पंचुअल होना चाहिए, ऑन टाइम ही जहां पे भी जा रहे हो पहुंचना चाहिए। A few moments later. लास्ट क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी भाई 8:30 के करीब, जब मैं घर से निकल रहा था। उसके बाद मैं चल गया था अपने काम पर स्टूडियो पर, एंड स्टूडियो पे क्लाइंट आ गए थे, उन्होंने कार ड्रॉप करी, फिर उनको ड्रॉप करने मुझे पंचकुला आना पड़ा। एंड टाइम देख लो कितने हो चुके हैं, 2:20। तो मैं सोचा यार पंचकुला में आ ही रहा हूं तो एक तीर से 2 निशाने कर देता हूं, वरना हमारी सर्विस के लिए गई भी है तो एक बार ना उसे भी देख लेते हैं कि भाई ये ढंग से सर्विस कर भी रहे हैं, क्योंकि ना ऐसे पहली बार होगा कि कार अकेली है उधर, मतलब छोड़ के चल चुके हैं। तो वही रहता है यार, कहां पहले मैं खड़ा रहता था कि भाई सही से हो रहा है काम या नहीं हो रहा, क्योंकि प्यार ही इतना कार से। आज भाई ये सब चीजें हो चुकी है, वही यार टाइम चेंजेस, बट प्यार अभी भी सेम है। रिलेट कर लो किसी और चीज से भी, टाइम चेंजेस और प्यार। अब चलते हैं हुंडई के सर्विस स्टेशन, देखते हैं भाई क्या काम हो रहा है, क्योंकि उन्हें मैंने बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूं। उनका कॉल तो आया था, मैं कहा मैं तो आज हुई नहीं अवेलेबल, कोई और छोड़ के गया है, क्योंकि नंबर मेरा है ना तो इससे रियलिटी पता चल जाएगी भाई हाँ काम हो रहा है। वैसे उन्होंने बोल दिया पहले कि शाम तक मिलेगी, शाम तक वही होता है 4-5 बजे। अब वही है, पहुंचते पहुंचते 2:30 से ज्यादा तो हो ही जाएगा, एक आइडिया तो हमें लग ही जाएगा कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। और वरना की ना शाफ्ट भी चेंज हुई है, मतलब की जो स्टेयरिंग की होती है ना उसमें आवाज आ रही थी। चलो भाई पहुंच चुके हैं हुंडई और इधर ही खड़ा देते, अंदर तो भीड़ ही बहुत है, पार्किंग होगी नहीं, डायरेक्टली अंदर ही चलते हैं, किसी से मिलना ही नहीं, देखते हैं कि कार कहाँ पे खड़ी है। क्रेटा क्रेटा तो बहुत हो रखे हैं भाई, ये देख लो क्रेटा का हॉर्न अलग ही सुनता है, अंदर ही चलते हैं। ये बात तो सच है यार, क्रेटा वाले रुकते नहीं है भाई हॉर्न मारने से, अभी भी सुना ही होगा आपने कितने हॉर्न मार रहे हैं, ये मीम सही बन रहे हैं। है ही नहीं भाई, पूरा वे आ गया कहाँ पे कार, अंदर तो है नहीं, ये वॉशिंग एरिया है और मेरे ख्याल से आगे है भाई। ये लो मिल तो गई है, आई मीन खड़ी भी है, पूछ लेता हूँ वॉश हुई है सर्विस हुई है। सर्विस हो गई है 8345। चलो भाई अंदर बिलिंग वगैरह की बात हो चुकी है, अभी पापा आएंगे ना वो तभी होएगा, मतलब पापा ही लेके जाएंगे कार, तो मैं तो निकल रहा हूँ अब, पापा को 15-20 मिनट लग जाएंगे अगर मैं रुका, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, वो चक्कर है। बाकी कार आप देख लो भाई बिल्कुल ही चकाचक डन हो रखी है,
साफ सुथरी तो वो ये ब्लैक कार को कितना साफ कर लो, गंदगी आई जाती है। ये बात है यार, ब्लैक पीपीएफ के बाद ना अलग ही मजे हो जाते हैं कार के। ये थोड़ा सा वो ये हार्ड वाटर लग रखे है, इसकी भी ना हल्की हल्की डिटेलिंग करनी पड़ेगी, मांग रही है डिटेलिंग तो। बट ठीक है, बहुत ही थम्स अप है बर्कले हुंडई को यार, टाइम से उन्होंने सर्विस कर दी है। अब मैं वही सोच रहा हूँ, थंबनेल नहीं आया सर्विस का, अगर बे पे लगी होती ना कार तो हो जाता। बट अगर कोई बर्कले हुंडई से देख रहा है आपकी सर्विस इतनी बड़ी है, जो ये आपके लेबर है इन्हें कोई बातचीत करने का ढंग ही नहीं है, किसी को चाचा बोल रहे हैं, किसी को मामा बोल रहे हैं, मतलब कि ठीक है ये बाहर मनी मुनी माजरा से अगर मैं कार सर्विस कराऊं तो समझ आता है कि भाई ये सब लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं। अभी मैं व्लॉग कर रहा था, एक बंदा अंदर से बोल रहा है, व्लॉग बना रहे हो चाचा, ये सब चीजें क्या है? अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हो तो ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए, थोड़ा अपने लेबर्स को समझाओ कि ढंग से बात करें। बाकी तो कार वगैरह मैंने चेक कर ली है, कंडीशन वगैरह कार की बड़ी है, अब तो चला के पता चलेगा, पापा ही बता देंगे अगर कुछ दिक्कत वगैरह हुई, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बर्कले हुंडई से अगर कोई देख रहा है, अक्सर देखते ही है, तभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर्विस A1 है। जितना टाइम बोला था भाई उससे पहले ही हो चुकी है, मतलब शाम को बोला था तो दोपहर ही मान लेते, 3 ही बजने वाले हैं। बट हाँ, जो इधर के लेबर हैं बाहर के, जो लोअर हायरार्की के हैं, उनको थोड़ा सुधारो, बातचीत करने का वे उनका बिल्कुल ही जीरो है, जैसे बिल्कुल ही सड़क छाप होते हैं ना बंदे, वैसा वे है, जो कि बहुत ही गलत बात है। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी की, बट जो सच है वो सच है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया मैम। मैं इनकी बात कर रही हूँ, इस बाइक के लिए आपका बदला गाड़ी यूज कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं। ये लो काट दिया। यस बैंक के बिहाफ से वाओ यार, चलो कोई तो ख्याल पूछ रहा है, कैसे हो आप? देख लो यार ने बीच में रोक दी, बताओ बीड़ी जला ली। सैड लाइफ है यार सबकी, आई मीन मेरी सबकी, क्या वो तो बीड़ी पी रहा चिल है, हम क्या पिए, हम परफ्यूम पी लें परफ्यूम। यार मैंने सोचा अब आया ही हूँ, निकला ही हूँ स्टूडियो से, तो जो थोड़ा बहुत सामान है जो मुझे बहुत टाइम से लेना था वो ले लेता हूँ, एलांटी में मिलेगा। ये है नेक्स्ट डे, कल अपने काम निपटा के, मतलब टाइम की यार इतनी शॉर्टेज चल रही है ना आजकल, जैसे तैसे वापस आया जल्दी से, क्योंकि इधर भी काम थे स्टूडियो पर। बट एनीवे ये सब चीज छोड़ते हैं, अब मेन बात आ जाती है कि भाई 70,000 चलाने के बाद डीजल वरना की सर्विस कॉस्ट क्या है। स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो है 8,040 रुपीज। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो यार ठीक है यार, और क्या चाहिए हुंडई वरना, जो इतनी सेक्सी कार है, मतलब देखने में मजा आ जाता है, इतना खर्चा वो मांग रही है 8,000 रुपए, तो क्या मार रहे हैं। मतलब कि वैसे बन रहे थे 8,500 कुछ, तो वही होता है कि डिस्काउंट वगैरह के बाद, मतलब कि लेबर पे डिस्काउंट हो जाते हैं, तो आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स 8,040 रुपीज का हमारा बिल आया। बट अब बात करते हैं भाई चीजें क्या क्या लगी है। 50 ml तो विंडशील्ड वगैरह छोड़ दो, ठीक है, इंजन ऑयल आपको बताइए क्या होता है, एयर फिल्टर आपको बताइए क्या होता है, एसी फिल्टर आपको बताइए क्या होता है, सर्विस किट ऑयल फिल्टर भी आपको पता ही होगा क्या होता है, सारे प्राइसिंग आप पढ़ ही सकते हैं। जो लास्ट में चीज है, जो एक्स्ट्रा चीज लगी है, वो है भाई शाफ्ट, यानी कि जो स्टीयरिंग व्हील होता है, तो चलो मैं स्कॉर्पियन में बैठा हूँ अपनी, बट जो वरना का स्टीयरिंग व्हील है वो इमेजिन कर लो, स्टीयरिंग व्हील में इधर की साइड होती है शाफ्ट, जो मतलब कि स्टीयरिंग व्हील जब हम घुमाते हैं ना तो आवाज वगैरह करती है, तो इसलिए वो भी रिप्लेस हो चुके हैं। एंड इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी है 803 रुपए। बट यार जो लेबर इसमें पड़ी है, नीचे देखो, एक जो लेबर है 2000 वाली वो तो है ही नॉर्मल लेबर जो होती है, बट जो शाफ्ट की लेबर पड़ी है वो पड़ी है 1100 रुपए, और टैक्स वगैरह तो भाई इसमें अलग है ही, बताओ। एक तो टैक्स ने भाई हमें डुबा रखा है, मतलब रोड टैक्स अलग से भरो, टोल टैक्स अलग से भरो, टैक्स तो बहुत ज्यादा है, जब ये न्यू कार लेते हैं जब अलग से टैक्स होता है, जो आजकल चल रहा है ना फॉर्च्यूनर पे इतना टैक्स है, वरना 30 लाख की मिलती, वो ये सब चीजें यार इंडिया में जो है वो है, अब इसे हम डिनाई तो नहीं कर सकते, तो हर चीज में टैक्स तो हम पे करते ही हैं। बट एनीवे जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी बात करें, अगर आपने सेकंड हैंड वरना लेनी है, अब किस कंडीशन में मिल रही है वो तो यार वो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट यस जो सर्विस की कॉस्टिंग रहेगी ना वो यही रहेगी भाई 8,000 to 10,000 rupees। 10 भी ना मैं बिल्कुल ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ कि भाई वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में इतने लग जाएंगे। एंड वैसे एक चीज सोची जाए, मान लो अगर आपकी शाफ्ट सही है तो भाई 6,000 के अराउंड आपकी सर्विस हो जाएगी, और क्या ही चाहिए भाई, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। बट वही लेबर को बोलचाल का था वो मैंने आपको बता दिया। एंड इसके अलावा एक ना डीजल फिल्टर होते हैं, वो हर 20,000 पे होते हैं, तो 60,000 पे डला था, तो 70 पे नहीं होगा, अब वो 80 पे डलेगा। बाकी तो ठीक है भाई, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एंड आई होप आपको आज की वीडियो से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली हो कि भाई पूरा सीन क्या रहता है क्या नहीं। वैसे तो ना हुंडई की पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेल कर सकते हैं, बट उसमें यार मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता ही है, जिंदगी में बहुत धोखे खाए ना, तो ट्रस्ट इशूज यार होने बनते ही है। बट ठीक है, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और यार हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो में तक बने हुए हैं, यहाँ से वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।